सो आज आपको दिखाने वाला हूँ पुली पीठे कैसे बनाते हैं। मम्मी जब पुली पीठे बना रही है वो आपको दिखाता हूँ रेसिपी। सो डेमोंस्ट्रेशन के लिए ये पहला वाला बन चुका है, ये है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो शुरू हो रहा है कुछ अभी टाइम हो रहा है 11:10, जो कि ऊपर दिख भी रहा होगा। और बाय द वे अभी मैं सुबह उठ के बहुत सारा पढ़ाई कर रहा था, जो कि ना मैं थोड़ा सा टाइमलेस डाल दूंगा और डाल भी दिया होगा मैंने पहले, तो फिर वही है। तो अभी पढ़ाई आज सुबह से लेकर फ्रेश मूड के साथ पढ़ाई किया है, और अभी जैसे कि मैंने बताया 11:10 है, तो सोच रहा हूँ कुछ अतरंगी करने का, मगर क्या करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक रील पोस्ट कर समझ रहे हो, अगर आप लोग मेरे इंस्टा पे नहीं हो तो जाके फॉलो कर लो। कल इसको ना मैंने वो लगा दिया था, क्या बोलते हैं इसका स्प्रे आता है, एक पेट स्प्रे आता है जो कि ना इसके बॉडी पे जो भी स्मेल आता है वो स्मेल चला जाता है, तो इसको दिया तो ठीक है, थोड़ी देर तो ठीक था। उसके बाद मम्मी ने और मना किया मेरे को कि मत दे मत दे, तो मैंने ना यहाँ पे दे दिया चेस्ट के यहाँ पे, तो उसने सूंघ लिया एकदम से, देने के साथ ही साथ सूंघने के बाद नाक एकदम इसके जो ये नोज बिल्कुल बिस्तर के साथ रगड़ के 2 मिनट तक तो रगड़ा, फिर जाके ठीक हुआ। तो मुझे लगा पता नहीं मैंने क्या ही गलती कर दिया। फिर मम्मी बता रही थी कि इसको ना एलर्जी हो जाती है, मतलब अगर चेस्ट के पास या आपको भी कोई भी स्प्रे करते हो ना तो एलर्जी आ जाती है और छींक आती है, मगर इसका ये पेट स्प्रे था उसके वजह से छींक तो नहीं आई, मगर हाँ थोड़ा नाक तो ये ऐसे ऐसे घिस रहा था। सो गाइज, मैंने जो बताया था आपको एक ऐप के बारे में जो हनी गेन, वो आप अगर ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो बढ़िया है, अगर डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड करके देखो, मेरा रेफरल कोड यूज करो, आपको सच्ची में आपको $5 उसी टाइम मिलेगा और $20 पे आपको पे आउट मिलेगा। बहुत लोग बोल रहे थे भाई फेक है या फिर ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, मेरे पास कोई भी ऐसा ब्रांड का कुछ भी मैसेज नहीं आया, कुछ भी मेल नहीं आया, सिर्फ मैं यूज किया मेरे को अच्छा लगा। तो जो लोग ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं और सबका फोन में एक ऐप डाउनलोड करने का तो जगह होती होती है, तो कोई नहीं, फ्री में पैसा आ रहा है तो आने दो। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नया टिप्स के साथ, आपको मैं और एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ना। सो बेसिकली मैं जिस ऐप के बारे में बताने वाला था वो ऐप कोई पैसे नहीं देगी आपको, मगर हाँ आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, और अगर हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो पैसे तो अपने आप ही आते रहेंगे। तो वो जो ऐप है वो ऐप है वाटर रिमाइंडर। हाँ, वाटर रिमाइंडर एक छोटा सा ऐप है, वो कि ना आपका हर 2 घंटे में आपको रिमाइंड कराता है कि आपको पानी पीना चाहिए, और आपके बॉडी के हिसाब से वो पहले वेट लेता है और उसके बाद वो बताते रहता है कि हाँ आपको इतना पानी पीना चाहिए दिन में, और आप इतने पानी सुबह से पिए हो, आपको और भी पानी पीने की जरूरत है। तो वो ऐप बहुत ही कमाल का लगा, मैं खुद 3 दिन से यूज कर रहा हूँ और मेरा पानी पीने का जो इनटेक टाइम है वो बढ़ चुका है, और मैंने उसका गोल सेट कर रखा है कि हाँ मेरे को इतना लीटर पानी पीना है, तो उसमें ना गोल सेट हो जाता है कि आपको 2.5 लीटर पीना है, 3 लीटर पीना है, दिन का रहता है, और हर आधे घंटे 2 घंटे बाद वो रिमाइंड करता रहेगा कि इतना पानी पियो, 250 ml करके पियो, मतलब एक ग्लास में 250 ml आता है, तो होता है कि 250 ml करके पियो, तो आपका जो बॉडी नेचुरल ना नेचुरल ग्रोथ। देखो मैं कभी भी स्किन पे ना इतनी ठंडी हो गई, कुछ क्रीम वगैरह नहीं लगाता, कभी कभी लिप्स पे लगा लेता हूँ मगर वैसे तो नहीं लगाता मैं। तो यही है कि आप भी पानी पिया करो और वो वाला ऐप डाउनलोड कर लो, आप डिहाइड्रेट नहीं होगे तो हाइड्रेटेड रहोगे, अगर हाइड्रेटेड रहोगे तो वो पानी का जो पोर्स है वो मतलब पोर्स तक पहुंचेगा, पहुंचते आपका जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करेगा, आपको कोई भी लाइक वो कोई भी क्रीम जैसे कि मामाअर्थ हो गया, शुगर कॉस्मेटिक हो गया, जिनके पास पैसे लगा सकते हो, अगर नेचुरल रहना है तो फिर आप ज्यादातर पानी पियो, पानी से बहुत चीज प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो जाती है, तो पानी पिया करो, और अगर आपको पानी पीने में दिक्कत आती है तो वो ऐप डाउनलोड कर लो। सच्ची में मेरे को तो बहुत फायदा आया, मैंने मम्मी पापा को सबको बोल दिया कि वो ऐप डाउनलोड कर लो, मेरे जितने भी दोस्त वगैरह है सबको बोल दिया, वो लोग कर भी चुके हैं, क्योंकि बोल रहे थे उसमें कोई रेफरल कोड नहीं, आप सीधा जाओगे प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे आपको मिल जाएगा वाटर रिमाइंडर करके, बहुत सही लगा मेरे को ये ऐप। सो आज आपको दिखाने वाला हूँ पुली पीठे कैसे बनाते हैं। मम्मी जब पुली पीठे बना रही है वो आपको दिखाता हूँ रेसिपी, और A to Z आपको बताऊंगा, और ये बंगाल में पीठे का इस टाइम पे बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है, क्योंकि उसके साथ गुड़ और पीठा एक नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है, और इसके लिए मम्मी के हाथ का पीठे तो आपको दिखाना बनता है। सो खाना पीना हो चुका है, मम्मी कुछ तो बना रही है, क्या है, चावल का आटा, चावल को पीस के उसका आटा बना के उसको फिर मतलब गूंद रहे हो, इससे क्या बनेगा पीठा, के किस चीज का, पुली पीठा, पुली पीठा, वो तो आखिर में जब बनेगा तभी पता चलेगा, तो अभी बना लो, कब बनाओगे, शाम को देखते हो टाइम जब मिलता है, अभी तो टाइम हो रखा है कुछ 1:30 बज रहा है, अभी बनाओगे, तो ये नहीं है मेरा शाम को, तो फिर अभी एक दिखा दो कैसे बनाते हैं।
सो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये पहला वाला बन चुका है, ये है पहला पीठा, पुली पीठा। और उसका सेकंड टाइम मैं दिखाता हूँ, ये है डो, और डो को ऐसे हाथ में मला जाता है, मतलब कि उसको गर्म, मतलब गोल गोल बनाया जाता है, और उसके बाद उसको दबा दबा के उस मम्मी बनाएगी। ये देखो थोड़ा सा, ये क्या है, ये भी आटा ही है, चावल वाला आटा, ये भी चावल वाला आटा है। और उसको ऐसे पहले गोल कर लेंगे, और उस गोल करने के बाद उसमें और थोड़ा सा गोल। अब ये बन चुका है हमारा पूरा प्रॉपर शेप में, जैसे कि ना। और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा, ये क्या है मम्मी, नारियल, नारियल और चीनी घोटा हुआ, मतलब वो जो पेस्ट बना रखा है नारियल और चीनी का, तो उसको इस पीस में रखेंगे जस्ट ऐसे करके, और उसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद दबा दबा के उस पे हम लोग, ये देखो ये कॉर्नर वाला दब गया, ये एक साइड से दबा दिया, प्रेस कर दिया, ये दूसरे साइड प्रेस कर दिया। सो ये देखो, अगर ऐसे खाओगे मम्मी का हाथ का खाना तो डायबिटीज को भूल जाओ, और बोलो कि हमें चाहिए इंसुलिन, और इसको कुछ ऐसे सजा के रखना है। सो हमारा ये सेकंड वाला भी बन गया है, तो अभी मम्मी सारे बना लेगी, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसके बाद भी इसको फ्राई करना होगा या दूध में डुबाना होगा, क्या होगा, दूध में डालना होगा, फ्राई भी होता है, फ्राई भी होता है, तो फिर फ्राई करोगे या दूध में डालोगे, दोनों करेंगे, दोनों, ठीक है, आप दोनों का दोनों ही दिखाएंगे। अच्छा, इसके अंदर वो डाल दोगे, क्या बोलते हैं उसको, नारियल, नारियल डाल के उसको, हाँ ये मेरे को आपने लास्ट ईयर खिलाया था, इस साल तो बनाया ही नहीं, ये पहली बार बन रहा है ना इस साल का। सो फाइनली पहला वाला बन चुका है, और ये दूसरा बनने जा रहा है, जस्ट लाइक इडली डोसा है ना, इडली तो गोल बनता है, डोसा। सो ये जो बाकी बच गया, तो वो कहाँ पे क्या क्या रखा है, अच्छा इसमें, ये देखो ये ना दूध उबाल के उसमें फिर से चीनी डाला है, चीनी डाल के और इसमें ये डाल दिया है, तो बहुत मीठा हो गया होगा, कोई नहीं खा लेंगे। और इसमें इलायची वगैरह भी डाला है ना, वो आने की स्मेल, गुड स्मेल आने के लिए। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसे पीठे बनते हैं, और ये पहले गर्म है, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको खाया जाता है, और एक दिन बासी करके खाओगे ना, मतलब कल खाओगे तो और भी अच्छा बनता है। सो अभी देखो गरम गरम पार्टी शप्टा मिल रहा है, और मैं तो ये एंजॉय कर रहा हूँ पार्टी शप्टा। फाइनली मम्मी ने पूरा बना दिया है, और कितने अच्छे से डेकोरेट करके दिया है। आपने कभी टेस्ट किया है पूली, अगर किया है तो जरूर कमेंट में हाँ लिखना, अगर नहीं किया है तो आओ हमारे घर पे, मम्मी बनाएगी, आप खा लेना, और कमेंट में लिख दो हाँ या ना। रे 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 क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, हरे रे हरे क्या हुआ, कहीं कोई अफसाना। सो फाइनली खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और खाना पीना होने के बाद अभी पढ़ाई करने बैठेंगे, रात का एक सेशन लगाते हैं, देखते कितने टाइम तक सेशन लगाते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। अभी एक सेशन से लगा ही लेते हैं, अभी 10:30 टाइम भी नहीं हुआ है, 10:19 टाइम हुआ है, तो पढ़ाई तो कर ही सकते हैं आराम से, तो पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।